हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर वन शॉट लेक्चर सीरीज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर फाइव का वन शॉट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे अब इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ चैप्टर जो है इनमें से काफी सारे टॉपिक्स डिलीटेड हो चुके हैं सो जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो आपके सीई एग्जाम में नहीं आने वाले हैं तो हम सिर्फ इस चैप्टर का नॉन डिलीटेड पोर्शन ही कवर करेंगे और नॉन डिलीटेड पोर्शन कौन सा कौन सा है टॉपिक नंबर 5.6 एंड टॉपिक टॉपिक नंबर 5.13 तो मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेजेस डालकर टॉपिक्स को इजी बनाने की कोशिश की है आई होप आपको लेक्चर देखने में मजा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे लेट्स बिगिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में व्हाट डू वी मीन बाय मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन व्हाट डू वी मीन बाय दिस बेसिकली इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू सिंथेसिस ऑफ ऑल बायोलॉजिकल डिसिप्लिन यानी कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्टडी करते हो उसकी इकोलॉजी के बारे में समझते हो कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है कैसे रहता है उसके स्ट्रक्चर उसकी एनाटॉमी समझते हो उसका जोग्राफिकल रीजन उसका पैलियोटोलॉजिकल यानी कि उसके जो एंसेस्ट्रल uh, एविडेंस है उसके बारे में जब आप पढ़ते हो हैरारकी के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उन सारी चीजों को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इवोल्यूशन इवोल्यूशन मतलब क्या होता है इवोल्यूशन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म आज हमको देखने मिल रहा है ये ऑर्गेनिज्म पहले कैसा था अगर पहले वो अनडेवलप्ड था और अब अगर वो डेवलप्ड हो गया है तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन इवोल्यूशन यानी कि चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओके और इसी के साथ साथ इवोल्यूशन के साथ साथ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस दी गई थी एंड नैचुरल सिलेक्शन तो आज के सेशन में इस चैप्टर में ज्यादा फोकस म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर दिया गया है बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन था यह थ्योरी बताने के लिए जैसे कि आर फिशर हेल्डेन डॉबजेंकी हक्सली मेर सिमसन स्टेबिन्स फिशर और राइट मेडल यहां पे एक्चुअली मेंडल मॉडर्न थियोरी समझ में आ सके कि कोई भी जो नया बनता है, उसके अंदर वेरिएशन आता है, है। यहाँ तक कि जो एक साइंटिस्ट है स्टेबिन उन्होंने अपनी बुक में पांच की फैक्टर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जैसे जीन म्यूटेशन क्या होता है म्यूटेशन इन द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड नंबर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, का देखने मिलता है. आगे देखो आपको मैंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है यानी कि कोई ना कोई स्पीशीज मिलकर पॉपुलेशन बनाती है समझो एक पर्टिकुलर स्पीशीज जब ज्यादा हो जाती है तो वो पॉपुलेशन बना लेती है एंड द पॉपुलेशन अगर इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। यही पॉपुलेशन आपस में रिप्रोड्यूस करते रहते हैं तो ऐसे पॉपुलेशन को हम बोलते हैं इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन और ये हमें दिया था मेंडेल ने इसीलिए हम इनको बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन अब आगे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीन जीन पूल। पूल ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सारे ऑर्गेनिजम्स का टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनकोडेड इन टोटल ऑफ अ मेंडेलियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल सिंपल मीनिंग अगर इसका हम पढ़ें द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एक जगह पर रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जितने भी उसके अंदर डीएनए है या जीन्स है उन पूरे जीन्स को जब आप काउंट करते हो तो उसको हम जीन पूल बोलते हैं मतलब एक ही जगह पे एनिमल्स भी रहते हैं ह्यूमंस भी रहते हैं तो एनिमल्स और ह्यूमंस सबके जीन को काउंट करके हम बोलते हैं जीन पूल ओके okay? ऑलराइट right. The migration of population effectively alter the gene pool। अब हमें यहां पर क्या बोला गया है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जब उस इस पर्टिकुलर स्पीशीज में अगर कोई एक और एक ऑर्गेनिज्म बाहर जाता है या यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म अंदर आता है यानी कि इसका माइग्रेशन जब होता है माइग्रेशन यानी कि बाहर जाना या बाहर का स्पीशीज अंदर आना तो इसके वजह से जीन पूल में बहुत चेंजेस हो जाते हैं जीन पूल मतलब क्या होता है टोटल नंबर अब अगर आपके टोटल नंबर में से कोई ऑर्गेनिज्म बाहर चला गया तो आपका नंबर कम हो गया और अगर बाहर से कोई अंदर आ गया तो आपका नंबर बढ़ गया तो उसके वजह से रिसोर्सेस पे असर पड़ता है जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो रिसोर्सेस कम होने लगता है पहले घर पे सिर्फ तीन लोग थे

एग्जाम्पल लेंगे आगे देखो आपको क्या बताया गया है हमारी जो जीन्स होती हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर एक डेफिनेट पोजीशन में फिक्स्ड होती है मतलब समझो ये अपना डीएनए है तो डीएनए के ऊपर हर एक जीन का एक फिक्स्ड पोजीशन होता है एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी जीन हैज टू अलील्स हर एक जीन के पास कितने अलील्स होते हैं दो अलील्स होते हैं एक डोमिनेंट एक रिसेसिव द प्रपोर्शन ऑफ एन अलील इन द जीन पुल टू द टोटल नंबर ऑफ अलील एट द लोकस इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोला गया है हमें कि हमारे एक पर्टिकुलर लोकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो उन सबके डीएनए को हम बोलेंगे जीन पुल ठीक है उन सबके डीएनए को हम क्या बोलेंगे जीन पुल द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील इन द जीन पुल आपके जीन पुल में कितने अलील है टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एट अ एटन लोकस कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से कौन सा जीन कॉमन है कितने है और इनमें से हर स्पीशी में कौन सा जीन कॉमन है वो कॉमन जीन कितनी बार रिपीट हो रहा है? उसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। समझो आप ह्यूमंस के अलग अलग ह्यूमंस ले लो और दूसरे मैमल्स के स्पीशीज ले लो ठीक है जैसे मंकी हो गए ह्यूमंस हो गए तो मंकी और ह्यूमंस दोनों का ऑलमोस्ट जीनस सेम है ओके सो जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट है इस वजह से कुछ कुछ जीन्स मैच करते हैं तो जो कॉमन जीन्स हैं और जो जीन्स एक फिक्स्ड लोकेशन पे प्रेजेंट है वो बार बार रिपीट होते हैं तो उस फिनोमिन को हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी देखो जीन पूल मंजे का है टोटल नंबर ऑफ जीन्स और जीन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या पर्टिकुलर अलील कितनी बार रिपीट हो रहा है ये पर्टिकुलर कितनी बार रिपीट हो रहा है इसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसे हम जीन फ्रीक्वेंसी ओके अब आगे देखो क्या बताया गया मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी के पांच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको तीन मेन कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया है पहला मेन कॉन्सेप्ट है जेनेटिक वेरिएशन दूसरा कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन और तीसरा कॉन्सेप्ट है आइसोलेशन सो so, हम इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आर यू रेडी ऑल राइट ऑल राइट तो मैं तो मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी के जो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जेनेटिक वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन हम तीनों को समझेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के साथ व्हाट डू वी मीन बाय जेनेटिक वेरिएशंस द चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी मतलब जीन के स्ट्रक्चर में या उसके फ्रीक्वेंसी में अगर सडनली कोई चेंज आता है इट इज नोन एज जेनेटिक वेरिएशन Genetic variations are caused by following factors. तो अब ये सारे factors हमको समझना है। पहला factor क्या है है? पहला क्या क्या देखो बच्चा लोग मतलब क्या होता है? अपने दिमाग में एक गांठ कर लो। सडन चेंज अचानक से सरप्राइज टेस्ट अनाउंस हो जाता है क्लास में और वाट लग जाती है सब बच्चों की वैसे ही म्यूटेशन मतलब क्या होता है सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज ओके जब हमारे डीएनए में सडनली कोई जीन अपना लोकेशन चेंज कर देता है या अपना कैरेक्टर चेंज कर देता है या अपना टाइप चेंज कर देता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन म्यूटेशन छोटे से जीन में भी हो सकता है क्रोमोजोम में भी हो सकता है क्रोमोजोम के नंबर में भी हो सकता है कभी कभी दो क्रोमोजोम की जगह तीन क्रोमोजोम ट्रिप्लॉइड देखने को मिलेगा कभी कभी सिंगल क्रोमोजोम आ जाएंगे तो नलो नलीसोमी देखने को मिलेगा कुछ भी हो सकता है म्यूटेशन बोला तो कुछ भी बिड़ू ऑल राइट म्यूटेशन दिन दिंगल जीन इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन अभी इधर पे देखो इधर पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल दिया है. अगर एक सिंगल जीन चेंज हो गया समझो इधर पे आपके सी और जी की जगह पर ए

सेकेंड एग्जाम्पल है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जब अपना गैमेट फॉर्मेशन करते हैं और जब उनके गैमेट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स देखो ये आपके है एक फादर का क्रोमोजोम एक मदर का क्रोमोजोम दोनों क्रोमोजोम अपना अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके वजह से जो आपको नया क्रोमोजोम मिलता है इसमें आपको रिकॉम्बिनेशन देखने मिलता है क्या देखने मिलता है बच्चों रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन के वजह से जो नया बच्चा पैदा होगा उसके अंदर न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर जब दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर और उसके वजह से जो हमको न्यू बेबी मिलता है या न्यू ऑफ मिलता है उसमें हमको वेरिएशन देखने मिलता है सो फर्टिलाइजेशन बिटवीन अपोजिट गैमेट लीड्स टू वेरियस रिकॉम्बिनेशन और उसके वजह से अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएशन देखने मिलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या आता है जेनेटिक वेरिएशन में जीन फ्लो जीन फ्लो मतलब क्या होता है समझो आपके स्पीशीज में से एक ऑर्गेनिज्म कम होकर एक मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स कम होकर किसी दूसरी स्पीशीज में चले गए जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स इन टू और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन समझो आपके कम्युनिटी से कोई स्पीशीज बाहर चला गया या आ, बाहर से कोई स्पीशीज अंदर आ गया तो जीन का मूवमेंट हो रहा है इसको जीन फ्लो बोलते हैं मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू फ्रॉम वन लोकेलिटी फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन इस मतलब ये माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म अपनी जगह बदलते हैं वो किसी दूसरी जगह रहने चले जाते तभी भी जीन फ्लो देखने को मिलता है या डी एन ए के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि एक जीन अपना लोकेशन छोड़ के दूसरे जीन पर चली गई ओके सो जीन फ्लो जीन फ्रीक्वेंसी कॉजिंग एवोल्यूशनरी चेंजेस अगर समझो सारी स्पीशीज एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जाएंगी तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी स्पीशीज बचेंगी और फिर ये थोड़ी सी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर दूसरी स्पीशीज आके अटैक कर देगी बोलते हैं ना यूनिटी में ताकत होती है तो अगर यूनिटी टूटते जाएगी तो सर्वाइवल डिफिकल्ट होते जाएगा नेक्स्ट क्या आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या फर्क है जेनेटिक ड्रिफ्ट एकदम नेचर के वजह से होता है जैसे अर्थक्वेक के वजह से फ्लड्स के वजह से समझो जंगल में आग लग गई उसके वजह से बटरफ्लाइज गायब हो गए एक पर्टिकुलर स्पीशीज ये देखो येलो कलर के सारे बटरफ्लाइज गायब हो गए फायर के वजह से यहाँ पे आपको येलो कलर के बटरफ्लाइज देखने को ही नहीं मिलेंगे सो नेचुरल डिजास्टर के वजह से अगर स्पीशीज कम होते हैं तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं और जीन फ्लो में नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ नहीं होता है अपनी मर्जी से स्पीशीज इधर से उधर चले जाते हैं तो उसको जीन फ्लो बोलते हैं सो जीन फ्लो इज मर्जी से एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है नेचुरली नेचर के वजह से जब अर्थक्वेक फ्लड फायर के वजह से अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज एलिमिनेट हो रहा है गायब हो रहा है खत्म हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ओके एनी रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील फ्रीक्वेंसी अकरिंग इन नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस प्योर चांस मतलब क्या होता है बाय चांस मतलब नेचर की वजह से एकदम रैंडमली अगर कोई स्पीशीज खत्म हो गई या किसी नेचुरल कलामिटी के वजह से इमेजिन करो कि सारे ह्यूमंस मर गए तो ये नेचुरल कलामिटी होगी ना तो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बोलेंगे इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉलर पॉपुलेशन चांसेस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट यूजुअली जिन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप छोटा रहता है पॉपुलेशन छोटा रहता है उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने के चांसेस ज्यादा होते हैं इट विल रिजल्ट इन चेंज इन द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ से ये सारे येल्लो बटरफ्लाइज खत्म हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी तो कम हो जाएगी तो इसके ऊपर अब दूसरे ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पे ये जगह हड़प सकते हैं जब आपकी यूनिटी कम हो जाती है तो दूसरे लोग ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं समझ में आ रही है सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो रिवोल्यूशनरी चेंज और कभी कभी जो बची हुई स्पीशीज है ये स्पीशीज क्या करेंगी ये खुद को अडेप्टशन करवाएंगी और फिर ये इतनी स्ट्रांग बनेंगी कि बाहर से कोई आकर इनके ऊपर अटैक ना कर सके सो so, इधर पे आपको इवोल्यूशन भी देखने को मिल सकता है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड क्रोमोसोमल एबरेशंस पांचवा जेनेटिक वेरिएशन का फैक्टर है क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्या एबरेशन यानी कि डिफेक्ट एबरेशंस मतलब क्या होते हैं डिफेक्ट तो अगर आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोजोम ड्यू टू रीअरेंजमेंट यानी कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है या उसको अरेंज करने के टाइम पे अगर जीन इधर का उधर हो गया तो उसको बोलते हैं क्रोमोजोमल एबरेशन ओके और उसके वजह से आपको न्यू वेरिएशन देखने मिलता है सो so, क्रोमोजोमलबरेशन के चार एग्जाम्पल है डिलीशन डिलीशन डुप्लीकेशन इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन देखो में क्या होता है कोई एक पर्टिकुलर जीन गायब हो जाती है लॉस ऑफ अ क्रोमोजोमल सेगमेंट अब इसके वजह से कुछ अच्छा भी हो सकता है कुछ बुरा भी हो सकता है समझो अगर हार्मफुल जीन गायब हो गई तो यह इंसान हेल्दी हो जाएगा लेकिन अगर हेल्दी जीन गायब हो गई तो यह इंसान फिर वीक हो जाएगा तो डिपेंड करता है इट इज ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स फिर डुप्लीकेशन सेकेंड फैक्टर क्या है डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जीन दो बार डुप्लीकेट हो जाना इसके वजह से भी फिनो में चेंजेस देखने मिल सकते हैं थर्ड फैक्टर क्या है इन्वर्जन इन्वर्जन मतलब क्या होता है समझो मैंने ऐसा लिखा ए बी सी अब आपने इसको इन्वर्स कर दिया तो आपको क्या देखने मिलेगा सी बी ए पोजीशन को चेंज कर देना मतलब यहाँ पर ये बी सी डी को डीसी बी लिख दिया गया अब इसके वजह से भी आपका अलग प्रोटीन बनेगा अलग एमआरएनए बनेगा और जिसके वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा और ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है यहाँ का जीन उठाकर मतलब मूव अ सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर मतलब डीएनए का या जीन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट उठाकर दूसरे डीएनए के साथ ज्वाइन कर देना मतलब समझो ये इतना सेगमेंट उठाकर किसी दूसरे जीन के साथ चिपका दिया ओके सो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन लोकेशन ही चेंज कर देना सो दिस इज क्रोमोजोमलबरेशन और इन चारों के चारों रीजन के वजह से हमको वेरिएशन देखने मिलते हैं वेरिएशन मतलब वेराइटी या और इसके वजह से आपको इवोल्यूशन भी देखने को मिल सकता है ओके ऑल राइट ऑल राइट तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड फैक्टर फॉर मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी सेकेंड फैक्टर क्या था नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आप पहले से जानते हो चार्ल्स डार्विन करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज सबसे ज्यादा फिट होगी वही ऑर्गेनिज्म सारे एडवांटेज लेगी उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी और वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगी एंड तक ओके okay? और जो ऑर्गेनिज्म वीक होगी वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगी सो नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है नेचर किसको सिलेक्ट करता है नेचर सिर्फ फिट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है किसको सिलेक्ट करता है फिट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है इसका एग्जांपल हमको एक बेस्ट तरीके से बताया गया है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में बेसिकली क्या बताया गया है देखो पहले क्या होता था जब आ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज नहीं थी इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी मतलब 1845 के टाइम पे तो दो मौत के बारे में दो मॉथ यानी कि दो इंसेक्ट के बारे में बताया गया है एक ग्रे मॉथ और एक वाइट मॉथ ओके okay? दो इंसेक्ट थे एक का कलर ब्लैक था या ग्रे था और एक का कलर व्हाइट था ठीक है तो होता क्या था जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पोल्यूशन नहीं था कुछ धुआं हुआ कुछ नहीं निकलता था तो ये जो मौत थे ये जो ग्रे और व्हाइट कलर के हैं ठीक है दिस इज ग्रे या ब्लैक बोल सकते हो एंड दिस इज व्हाइट ओके या केमोफ्लास्ट तो हमारे ट्रीज जो होते हैं देखो वैसे ये नॉकटर्नल क्रिएचर्स है ये इंसेक्ट कैसे हैं दीज आर नॉकटर्नल क्रिएचर्स ओके नॉकटर्नल मतलब जो रात में एक्टिव होते हैं और दिन के टाइम पे रेस्ट करते हैं सो ये मौत क्या करते थे ये लोग रात के टाइम पे एक्टिव रहते थे और दिन के टाइम पे ट्रीज के ऊपर रेस्ट करते थे ट्री ट्रंक के ऊपर किसके ऊपर ट्री ट्रंक के ऊपर देखो ये वाला फोटो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है है कभी का है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी ग्रेट ब्रिटेन में तो इस टाइम पे ये देखो ये जो व्हाइट वाला इंसेक्ट है ये आराम से इधर छिप जाता था ये व्हाइट इंसेक्ट आराम से लाइकन्स के ऊपर छिप जाते थे मतलब ऐसा ट्री रहता है ट्री के ऊपर छोटा छोटा अलगे और फंगस जैसा एक ग्रोथ होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकन तो ये व्हाइट इंसेक्ट ये लाइकन के ऊपर चिपक जाता था तो पता ही नहीं चलता था जैसे रंग बदलू गिर गिर कैसे पत्थर के ऊपर बैठता है तो पत्थर का कलर ले लेता है प्लांट के ऊपर बैठता है तो प्लांट का कलर ले लेता है वैसे ही ये व्हाइट कलर का इंसेक्ट जब लाइकन के ऊपर बैठता था तो पता ही नहीं चलता था कि इंसेक्ट है किधर ओके okay? और ब्लैक इंसेक्ट दिख के इंसेक्ट को खा लेते थे तो इसके वजह से क्या हो रहा था व्हाइट इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ रहा था क्योंकि वो आसानी से छुप जाता था इधर पता ही नहीं चलता था और ब्लैक इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम हो रहा था लेकिन धीरे धीरे जब ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज का आना स्टार्ट हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या देखा गया आपको भी पता है जब इंडस्ट्रीज होती हैं तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन के वजह से जो काला काला कार्बन का फ्लेम निकलता था कार्बन का ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम सूटी मतलब क्या होता है एकदम काला काला धुआं तो उस धुएं के वजह से जो ट्रीज थे वो ब्लैक हो गए ट्रीज कैसे कलर के हो गए ब्लैक कलर के हो गए मतलब ट्रीज के ऊपर की जो लाइकन थी वो लाइकन मर गई खत्म हो गई सो so, ट्रीज के ऊपर का पूरा लाइकन निकल गया और अब ट्रीज ब्लैक कलर के दिखने लगे तो अब उल्टा हो गया पहले व्हाइट इंसेक्ट छुप जाता था लेकिन अब ब्लैक इंसेक्ट आराम से छुप जाता था दिखाई नहीं देता था और व्हाइट इंसेक्ट दिख के आता था तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम होता गया ब्लैक इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ गया क्योंकि सारे ट्रीज का ट्रंक ब्लैक हो गया तो देखो टाइम चेंजेस टाइम कैसे बदलता है वो बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा तो ये ब्लैक इंसेक्ट बोलता था व्हाइट इंसेक्ट को कि रुक जा अभी मेरा पॉपुलेशन कम हो रहा है थोड़ा रुक जा तू जब इंडस्ट्रीज आएंगी ना जब सारे झाड़ काले हो जाएंगे तो तू कैसे दिख के आएगा तो सब बर्ड आके ते को खा लेंगे और मैं बच जाऊंगा ऐसा ब्लैक इंसेक्ट बोलता था तो वो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन

इसका भी कलर ग्रे कलर या ब्लैक कलर का हो जाता तो ये भी नहीं मरता तो जो ऑर्गेनिज्म बदलते हुए नेचर के साथ खुद को अडेप्ट करता है वो फिट रहता है और नेचर उसको ही सिलेक्ट करता है पूरे चार्ल्स डार्विन ने यही हमको समझाया है इतना पूरा थियोरी में कि जैसे नेचर बदलता है वैसे वैसे हमको भी अडेप्ट करना चाहिए क्योंकि अगर सरवाइव करना है तो करना ही पड़ेगा सो दिस वाज अबाउट नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन इतना आपको समझ गया अब हम बढ़ते हैं आइसोलेशन की तरफ आइसोलेशन टॉपिक में क्या बताया गया है दिस इज द थर्ड फैक्टर इट इज द सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन टू स्मॉलर यूनिट विच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन दम मतलब सेम स्पीशीज के ग्रुप को अलग अलग कर देना समझो आप और आपका बेस्ट फ्रेंड बहुत बात करते हो तो टीचर कैसे क्लास में आपको दूर-दूर बिठा -दूर देती है ठीक उसी तरीके से को को कंट्रोल करने के लिए कर स्पीशीज कुछ बैरियर्स कुछ जो जीन फ्लो या एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन आइसोलेटेड पॉपुलेशन आइसोलेटिंग बैरियर की बैरियर या मैकेनिकल बैरियर की मदद से हमने ये स्पीशीज को अलग कर दिया तू अलग और तू अलग दोनों एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग नहीं करेंगे ऐसा

हिस्से में डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो मतलब एरिया चेंज हो गया जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या होता है जोग्राफी चेंज हो जाना एरिया चेंज हो जाना लोकेशन चेंज हो जाना तो अब इसके वजह से ये ऑर्गेनिज्म इसके साथ ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा तो इधर पे इंटर ब्रीडिंग पॉपुलेशन नहीं होगा तो यहां पे देखो बेचारा ये स्पीशीज क्या बोल रहा है इफ यू रियली मी यूड स्विम अक्रॉस अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम ये पानी तैर के आ सकते थे लेकिन जब ये तैर ही नहीं सकता है ये स्विम कर ही नहीं सकता तो ये कैसे आएगा इस साइड ये तो नेचुरल अर्थ को या किसी ना किसी रीजन के वजह से हुआ सो so, जोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है किसी ना किसी रीजन के वजह से जब दो स्पीशीज अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच का इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन रुक जाता है हमको और एक एग्जाम्पल बताया गया था डार्विन फिंचेस के बारे में शायद हाँ इधर नहीं है वो डायग्राम डार्विन फिंचेस मतलब फिंचेस करके एक बर्ड्स थे पहले कैसे होता था ये बर्ड्स जहां पर रहते थे वहां पर Uh, अपना खाना ढूंढने के लिए इनका जो माउथ होता है इनकी बीक को काफी लंबा होना पड़ता था मतलब इनकी जो चोंच है वो काफी पॉइंटेड रहती थी लेकिन जब ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चले गए तो अब इधर पे इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती खाना इकट्ठा करने के लिए क्योंकि पहले वो आइलैंड पे रहते थे ठीक है मतलब पानी के बीचों बीच तो उनको बहुत सारा खाना स्टोर करके रखना पड़ता था लेकिन अभी वो लैंड पे आ गए तो लैंड पे आने की वजह से अब उनको खाना स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि इधर बहुत सारे ट्रीज है

तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अडेप्टेशन हो जाता है और जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मन नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा सो दिस इज जोग्राफिकल आइसोलेशन अब हम बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की तरफ ऑल right, तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में ट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब रिप्रोडक्शन होता है सो so रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमको न्यू स्पीशीज मिलती है या न्यू स्पीशीज uh, नहीं बोल सकते न्यू ऑफ स्प्रिंग मिलता है और वो न्यू ऑफ स्प्रिंग हमको अलग अलग वेरिएशन दिखाता है सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हमको रिप्रोडक्शन रोकना है ओके सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल रिप्रोडक्शन अगर नहीं करना है तो उसके लिए जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करना पड़ेगा या तो जीन पूल में चेंजेस करना पड़ेगा या तो किसी ऑर्गेनिज्म के जेनाइटल ऑर्गन्स में चेंजेस करना पड़ेगा अगर ऑर्गन कंपैटिबल नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा सो so, रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए हम अलग अलग इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुल मतलब इसके वजह से क्या होगा अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होगा देखो जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नेचर क्या करता है नेचर पॉपुलेशन को कम करने के लिए कोई ना कोई 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 ना ना बैरियर लेके लेके आ आ जाता जाता है, है, रुकावट और उसको ही हम बोलते हैं आइसोलेशन सो ऐसे ही पॉपुलेशन को रोकने के लिए अलग अलग टाइप के जो मैकेजम हैं, वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे प्री मेटिंग और प्री जाइटिक मैकेनिज्म यानी कि जाइगोट बनने से पहले ही फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना तो इसके कुछ पांच से छह टाइम्स आपको बताए गए हैंबिटाइट आइसोलेशन टेम्पोरल बिहेवियरल मैकेनिकल गैमेटिक आइसोलेशन हर एक के बारे में हम डिटेल में देखते हैं देखो प्री मेटिंग या प्री जाइगोटिक मतलब क्या होता है दिस एंड प्रटिलाइजेशन एंडगोडोड फॉर्मेशन मतलब इसके वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और जायगोर्ड भी नहीं बनेगा मतलब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा So, पे देखो सबसे पहले टाइप का मैकेनिज्म हमको बताया गया है हैबिटेट आइसोलेशन या जिसको आप इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी बोल सकते हो इसमें क्या होता है स्पीशीज सेम है लेकिन दोनों के रहने की जगह अलग है सो मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम जोग्राफिक रीजन बट दे ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटाइट सो दैट पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट यानी कि एक ही स्पीशीज सेम लैंड पर रहने के बावजूद भी उनका हैबिटेट अलग अलग है मतलब एक लैंड पे रह रहा है एक वाटर में रह रहा है यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है दोनों का स्पीशीज सेम है पर दोनों का हैबिटेट अलग है दोनों के रहने की जगह अलग है उस वजह से वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और यही तो हमको करना था रिप्रोडक्शन होने से रोकना था So, अगर दोनों का हैबिटेट चेंज कर दिया तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा और बेचारे दोनों इसी तरीके से लड़ते रह जाएंगे ओके सेकंड क्या होता है सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन में क्या होता है जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे दोनों कंपेटिबल ऑर्गेनिज्म है ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कंपेटिबल है ठीक है लेकिन दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग है एक ऑर्गेनिज्म पहले मेच्योर हो जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म को अभी भी मेच्योर होने के लिए टाइम लगेगा एक ऑर्गेनिज्म इधर पे पहले ही मेच्योर हो गया है फ्लावर रेडी है लेकिन मेल के पास एंथर ही नहीं है मतलब इसके पास पोलन ग्रेन्स ही नहीं है अभी तक पोलन ग्रेन्स मेच्योर ही नहीं हुए हैं तो ये इसको कैसे फर्टिलाइज करेगा नहीं फर्टिलाइज करेगा सो तो इसको हम बोलते हैं सीजनल आइसोलेशन यानी दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग स्पीशीज सेम है बट मैच्योरेशन टाइम अलग अलग हो जाता है थर्ड थर्ड अपना फैक्टर आता है एथोलॉजिकल आइसोलेशन एथोलॉजिकल आइसोलेशन मतलब क्या होता है बिहेवियरल आइसोलेशन यानी ड्यू टू स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर द पॉपुलेशन डू नॉट मेट यानी कि अगर दोनों का रिप्रोड्यूस करने का मेथड अलग अलग है स्पीशीज भले ही सेम है लेकिन दोनों का मेथड अगर अलग अलग है तो भी वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे मतलब वो बोलते हैं ना कि Uh, अगर आपको आपके पार्टनर की मेंटालिटी अच्छी नहीं लगी तो आप उससे शादी नहीं करते हो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर दोनों का बिहेवियर अलग अलग है तो ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करे थे ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है मैकेनिकल आइसोलेशन मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है इन दिस केस मेटिंग बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज इनहिबिटेड बिकॉज देयर ऑर्गन्स आर नॉट कंपैटिबल इसमें भी स्पीशीज सेम है लेकिन इनके ऑर्गन अलग अलग है इनके ऑर्गन कंपेटेबल नहीं है ओके इनके ऑर्गन्स कंपैटिबल नहीं है जिस वजह से ये मेट नहीं कर सकते या इनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो सकता सो मैकेनिकल आइसोलेशन में ऑर्गन्स डिफरेंट हो जाएंगे फिर लास्ट में आपका आता है पोस्ट मेटिंग समझो अगर किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन हो गया और गैमेट बन गया या आपका जायगोट बन गया तो भी उसको रोक सकते हैं कैसे रोक सकते हैं पोस्ट मेटिंग मतलब क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहली बात तो फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देना है अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो भी उसको रोकने का तरीका है पहला तरीका क्या है गैमेट मोर्टेलिटी यानी कि गैमेट्स है लिमिटेड लाइफ टाइम and due to one or the other reasons if union of two gametes does not occur in the given time it results in the gamete mortality yani ki gametes ka lifetime alag alag hota hai to so, dono gametes agar ek particular time pe jaise agar main humans ki baat karu to humans ka jo egg hota hai wo 24 hours ke liye viable hota hai aur jo sperm hota hai वो 48 to 72 hours आवर्स के लिए वायबल होता है तो so, 24 hours आवर्स के अंदर अंदर अगर हमने एग को फर्टिलाइज नहीं किया तो फिर ये एग मर जाएगा फिर ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा सो so, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है नहीं तो दोनों के दोनों डीएक्टिवेट हो जाएंगे फिर आ जाता है जयगोट मोर्टैलिटी समझो गैमेट्स एक साथ आ गए और जायगोट बन गया लेकिन जायगोट को कोई ना कोई न्यूट्रिशन या किसी ना किसी केमिकल के वजह से किल कर दिया जाता है सो so, हियर एग इज फर्टिलाइज बट टू वन दर रीजन मतलब कोई ना कोई रीजन ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से नहीं कर पाता है और आगे आपका पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है और लास्ट में आता है हाईब्रिड स्टरिलिटी हाइब्रिड मतलब क्या होता है जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आप साथ में रिप्रोड्यूस कराते हो तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं ये हाइब्रिड स्टराइल हो जाते हैं आगे जाके क्या हो जाते हैं स्टराइल हो जाते हैं क्यों क्योंकि अंदर प्रौ... इनके अंदर प्रॉपर गेमेटोजेनेसिस नहीं होता है एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं दू समझो अगर आप हॉर्स और डोंकी को अगर साथ में रिप्रोड्यूस करवा रहे हो तो आपको क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे म्यूल्स म्यूल्स मतलब क्या होते हैं खच्चर केदारनाथ मूवी देखी आपने सुशांत सिंह राजपूत की और सारा अली खान की उसमें बताया था ना पहाड़ चढ़ने के लिए डोंकी जैसे जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं वो खच्चर होते हैं वो म्यूल होते हैं दे आर स्टराइल मतलब उनके अंदर स्पर्म्स नहीं होते क्योंकि उनके अंदर गेमेटोजेनेसिस प्रो, प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं होता है इतना आपको समझ में आया हमने पूरा का पूरा आइसोलेशन का मैकेनिज्म पढ़ लिया ठीक है चलो अब आगे देखो आगे आपको क्या बताया गया है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में ओके उनका लास्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन आपने बचपन से ही पढ़ा है कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए ओके उसका आंसर हमें अभी तक भी ठीक से पता नहीं चला है कि हमारे एक्चुअल एंसेस्टर्स चिमपैन्जीज और एप्स हैं कि नहीं हैं बट स्टिल थ्योरी में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको अगर हम कंसिडर करें तो ये बोला जाता है कि हमारा जो 95 परसेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो चिमपैनजीज गोरिलाज और एप्स के साथ मैच करता है ये ऐसा पाया जाता है कि जो ह्यूमन्स हैं ये ह्यूमन्स एक प्री ड्वेलिंग एनिमल से इवोल्यूट हुए हैं यानी कि पहले कुछ एनिमल्स झाड़ पर लटकते रहते थे लेकिन कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन के वजह से नेचुरल uh, डिजास्टर्स के वजह से झाड़ गिरने लगे और उसके वजह से जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं आर्बोरियल एनिमल्स मतलब क्या होते हैं जो झाड़ पे रहते हैं एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे रहते हैं ठीक है जो जंप करते हैं तो इन आर्बोरियल एनिमल्स को अपना झाड़ छोड़कर नीचे आना पड़ा जमीन पे रहना पड़ा और जमीन पर रहने के वजह से धीरे धीरे करके इनके अंदर चेंजेस हुए जब ये झाड़ पे लटकते थे तो इनकी टेल लंबी होती थी क्योंकि उनको सपोर्ट लेना पड़ता था लेकिन जब ये जमीन पर रहने लगे तो धीरे धीरे करके टेल का यूज कम हो गया तो टेल छोटी होते गई धीरे धीरे करके ये ऑर्गेनिजम्स चार पैर की जगह दो पैर पे चलने लगे और दो हाथ को खड़ा कर लिया धीरे धीरे करके अपने हाथ को यूज करने लगे ये अलग अलग पर्पसेस के लिए तो देखो तो ये है आपके इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऐसा हमको थियोरिटिकली बताया गया है ओके ये चार्ट में हमको बताया गया है कि कैसे हम अलग अलग लेवल्स को क्रॉस करके इस कैटेगरी में आते हैं सो तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि ह्यूमन बीइंग्स कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं वी कम इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमेट्स और प्राइमेट्स के अंदर होमीनिडे कैटेगरी में हम आते हैं एंड वी आर अ टाइप ऑफ अ मैमल हम क्या हैं हम मैमल हैं कौन से मैमल्स हैं प्लेसेंटल मैमल्स हैं मतलब हमारे बॉडी में जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम हमारी जो मदर्स होती हैं जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे देती हैं प्लेसेंटा की मदद से ओके okay? सो so ये चार्ट की आपको ये चार्ट लर्न नहीं करना है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैमल्स कौन से कैटेगरी में आते हैं वी बिलोंग टू यूथेरियन होमिनिडे ओके okay? हमारी बॉडी स्ट्रेट है हमारे पास बड़ा दिमाग है हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं ओके सो यहाँ पर देखो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ जैसे जैसे नेचर के कंडीशंस चेंज होते गए वैसे वैसे हमको काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इवोल्यूशन देखने मिला जैसे कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन धीरे धीरे करके ब्रेन का साइज बढ़ता गया अब ब्रेन अगर बढ़ रहा है तो उसके रहने की जगह भी बढ़ेगी तो पहले ब्रेन का खोपड़ी छोटा होता था इसलिए ब्रेन छोटा होता था धीरे धीरे करके जैसे जैसे का ब्रेन का साइज बढ़ता गया क्रेनियल कैपेसिटी का साइज बढ़ता गया लोग दो पैर पे चलने लगे मतलब जो मंकीज थे वो दो पैर पे चलने लगे बाय पिडल यानी कि टू लेग्स और टेट्रा पिडल यानी कि चार लेग्स तो दो पैर पे चलने लगे फिर उन्होंने अपने थंब का यूज करना स्टार्ट किया अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पकड़ने के लिए बॉडी स्ट्रेट हो गई इरेक्ट पोस्टर शॉर्टनिंग ऑफ फोर लिम्स धीरे धीरे करके हाथ छोटे होने लगे क्योंकि पहले देखो पहले क्या होता था इनके हाथ लंबे होते थे लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हाथ का यूज कम होने लगा वैसे वैसे हाथ का स्ट्रक्चर छोटा होने लगा तो इस इसी तरीके से बॉडी के डेवलपमेंट होना ऑर्गन डेवलपमेंट होना ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक गर्डल डेवलपमेंट ऑफ लंबार करवेचर सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट धीरे धीरे करके बात करना धीरे धीरे करके टूल्स डिजाइन करना ये सारी साइंस है इवोल्यूशन की क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ह्यूमन्स के अंदर जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ता गया वैसे वैसे उनका दिमाग का साइज बढ़ता गया खोपड़ी की साइज़ बढ़ती गई वो उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता गया ओके उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होती गई वो अपने बॉडी का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने लगे फ्रीडम ऑफ फोर लिम्स और अंगूठा का इस्तेमाल करके हम चीजें सब गिर जाता है लेकिन इवोल्यूशन की वजह से ये सारी चीजें सीखी करोड़ों साल लगे इवॉल्व होने के लिए लेकिन धीरे धीरे करके ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिले और यहाँ पर आपको चार्ट में सम ऑफ अवर एनसेस्टर्स एनसेस्टर्स यानी की पूर्वज सो so, हमारे कुछ एंसेस्टर्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज हुआ उनके शे उनके स्कल का शेप कैसे चेंज हुआ उनके टीथ के स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस हुए और अभी भी हमारा इवोल्यूशन चालू है वो बोलते हैं ना अगर तुमने अपना दिमाग यूज करना स्टॉप कर दिया तो तुम्हारा दिमाग भी छोटा हो जाएगा पहले के एनिमल्स में कैसे अपेंडिक्स स्ट्रक्चर बड़ा होता था अपेंडिक्स उनको डाइजेशन करने में हेल्प करता था क्योंकि वो लोग कच्चा खाना खाते थे हम खाना पका खाते हैं तो हमको डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है

बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ओके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप मत करना ओके okay? तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है अलग अलग स्पीशीज दिए गए हैं ड्रायोपिथेकस कैसे दिखते थे रेमापिथेकस कैसे दिखते थे ऑस्ट्रालोपिथेकर्स कैसे दिखते थे इनके फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पर मिले ये कौन से पीरियड में मतलब पाए गए थे कौन से पीरियड में इनका एवोल्यूशन हुआ फिर इनका स्केलेटल फीचर्स कैसा था इनका पोस्टर कैसा था इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना बढ़ा धीरे धीरे करके देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ता गया हमारे दिमाग का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर जिसके अंदर आधा किलो का दिमाग रहता है ओके okay? और आगे के स्पेशल फीचर्स हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बताए गए तो आपको ये पूरा टेबल लर्न करना है और इसमें से स्पेशली सॉरी आपको ये पूरा टेबल लर्न करना है और इसमें से स्पेशली आपको क्या लर्न करना है क्रेनियल कैपेसिटी कंपलसरी लर्न करना है स्पेशल फीचर्स कंपलसरी लर्न करना है और कौन से पीरियड में वो ऑर्गेनिज्म आ, पाया गया वो लर्न करना और उसका अपियरेंस ये चार कॉलम्स आप ये चार रोज आपको कंपलसरी लर्न करने हैं सब स्पीशीज के इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है वैसे तो मैं हमेशा ऑप्शंस बता देती हूँ लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ये आपको लर्न करना पड़ेगा ओके सो so, इसी तरीके से यहाँ इस चैप्टर का ये वन शॉर्ट सीरीज होता है खत्म आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी थैंक यू